हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जीआईएमपी के कुछ फीचर्स डिस्कस किए थे, और जैसा कि मैंने कहा था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है जीआईएमपी के फीचर्स को लेके। सो इसको आप प्रिपेयर कर लें, नोट डाउन कर लें। सो आज बात करने वाले हैं हम लोग जीआईएमपी सॉफ्टवेयर जो है, जो टूल के बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसीजर है, जैसे आप बाकी सॉफ्टवेयर्स आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, इन अ सिमिलर मैनर आपको जीआईएमपी भी आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िग करना है। और उसको आप जो आपकी जीआईएमपी की वेबसाइट है उससे डाउनलोड कर लेंगे, और उसका जो इंस्टॉलर है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि उसकी सेटअप फाइल को जब आप डबल क्लिक करेंगे और इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे, तो वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा इन ए सिमिलर मैनर। जैसे मैं विंडोज़ की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स इन्वायरमेंट है, तो आप सिंपल ये कमांड यूज करेंगे तो आप जीआईएमपी को इंस्टॉल कर पाएंगे, और इस कमांड को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो स्टेप वाइज स्टेप आपको पता चल जाएगा। तो डाउनलोड कहाँ से करना है, वेबसाइट आप नोट कर लें, www.gimp.org, ठीक है। और उसी में डाउनलोड्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा, इस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपकी वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो जीआईएमपी के डाउनलोड्स को डिनोट करती है, और वहाँ पे आपको एग्जीक्यूट द इंस्टॉलर यानी कि इंस्टॉलर का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो उस पे जाके आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं उसको। और जैसे ही वो आपके गूगल क्रोम में ओपन होगा तो कुछ ऐसा नज़र आएगा जैसा कि आप देख पा रहे हो वेबसाइट को। और अगर जैसे आपको विंडोज़ के लिए यूज करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे डाउनलोड जीआईएमपी पे क्लिक करेंगे, जैसा कि मैंने डाउनलोड कर रखा है वो। अगर आपकी नेट की स्पीड अच्छी है तो जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, और थोड़ी स्लो स्पीड है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने डाउनलोड किया तो आपके डाउनलोड्स में ये आ गया, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होते टाइम जो स्टेप्स होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे आपका इंस्टॉल होगा। जैसे ही आप उस पर इंस्टॉलर पर क्लिक करेंगे तो ऐसी विंडो आएगी आपके पास में, आपको रन बटन पर क्लिक करना है, और उसके बाद अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश ओके है होती है, तो आप ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। और नेक्स्ट जो आपकी विंडो आएगी उसमें आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल करने का, तो आप जैसे ही इस इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये जैसे जैसे प्रोग्रेस करके कंप्लीट होगा उसके बाद आपके पास फिनिश इंस्टॉलेशन विंडो आ जाएगी, यानी कि इस तरीके की विंडो आ जाएगी, और फिनिश बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर है जो आप फॉलो करेंगे जब आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे वेबसाइट पे जाके, और उसके बाद आप उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप सिंपल कमांड लिखेंगे apt-get, और आपका जो GIMP सॉफ्टवेयर है, तो आप देखेंगे कि आपकी इंस्टॉलेशन कंटिन्यू होगा, और कंप्लीट होके आपके सिस्टम में जो GIMP सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और उबंटू जो सॉफ्टवेयर है, यानी कि लिनक्स का ही जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू, उसमें ये आपके गैलरी में यानी कि सॉफ्टवेयर सेंटर में मिल जाता है, तो आप सर्च करके वहाँ से डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपके बात हो गई GIMP के बारे में। स्टार्टिंग विद GIMP, जब आप फर्स्ट टाइम आपके सिस्टम में फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉल कर लिया है आपने, तो आप जब फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं GIMP, तो उसका आइकन जो है वो कुछ इस तरीके का स्टार्टिंग आइकन नज़र आता है। मैं यहाँ पे स्टार्ट आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप, जैसे मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो जैसे मैं GIMP लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए वर्जन आ गया 2.10। तो ये जैसे ही ओपन होगा तो जैसा आपका बुक के अंदर दिखाया हुआ है वही स्क्रीन आपको नज़र आ जाएगी यहाँ पे, जैसे ही आपका GIMP सॉफ्टवेयर ओपन होगा। देखिए आप देख पा रहे होंगे JMP 2.10, यानी कि ये इसका वर्जन है, और ये फर्स्ट टाइम जो है उसका लुक कुछ ऐसा आपको नज़र आता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका कंप्लीट नाम लिखा हुआ है, GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, और ये आपका मेन्यू बार है, फाइल एडिट सेलेक्ट डिफरेंट ऑप्शंस है, और इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो मैं वही बताना चाह रहा था कि आप जो GIMP सॉफ्टवेयर को जब फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो कुछ ऐसा नज़र आता है। कल हम इसके डिफरेंट ऑप्शंस जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।